हमसे कह रहा है चित्र में, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। चल भैया समबाहु त्रिभुज है तो ये सभी भुजा बराबर होंगे, आप जानते ही होंगे। मैं इतने कूलाम का, कितने डेढ़ कूलाम के आवेश को ए से बी, यहाँ से एक कूलाम को ऐसे खींच खींच के कहाँ तक लाया गया है, सी तक लाया गया है। तो कह रहा है लाने में कार्य होगा, किसी चीज़ को आप खींच के इसे ले के जा रहे हो तो काम तो करना ही पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा यही बताना है। देखिए आप फार्मूला अगर पढ़ रखे होंगे तो जो विभवांतर होता है दो बिंदु के बीच का जो विभवांतर होता है वो बराबर होता है W बटे क्यू के। अगर हम लोग कार निकालना है तो W बराबर निकाल देते हैं डेल्टा V डिवाइड बाई इंटू क्यू, क्या हो जाएगा डेल्टा V इंटू क्यू। अब जो जो डेल्टा V होता है ये होता है पहले बिंदु, पहला बिंदु कहाँ है A से, A से जितना वोल्टेज होगा, A पर जितना वोल्टेज होगा माइनस करना है B पर, कितना करना है B पर, क्यों, क्योंकि A से हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं C पर, नहीं A से C ले जा रहे हैं, यहाँ पर C हो जाएगा, क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो A से C पर ले जा रहे हैं, घटा देते हैं, यहाँ पर प्लस में तीन है तो प्लस में तीन, यहाँ पर माइनस करना है और C पे कितना है माइनस में तीन, तो ये प्लस में तीन और ये प्लस में तीन, कितना हो गया प्लस में छः वोल्ट का, प्लस में छः वोल्ट का वोल्टेज है इन दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में कितना वोल्टेज है प्लस में छः वोल्ट का। तो यहाँ पर रख देते हैं मान, इसका मान आ जाएगा छः और इसका मान कितना दिया है डेढ़ है, तो 1.5। अगर हम लोग W बराबर निकालेंगे 15 × 90, 9 आ गया, और किस में आता है कार्य जूल में। आप लोग बहुत कार्य किए होंगे आगे पीछे होके। इधर देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा है, वही उसी चित्र से हल हो जाएगा। कह रहा है उपरोक्त चित्र में, उपरोक्त चित्र में मतलब है ये वाले चित्रों की बात कर रहा है। कह रहा है दो गुलाम के आवेश को, इस बार दो गुलाम का आवेश जो क्यू का मान रखना है हम लोगों को, कितना दो गुलाम का आवेश बी से सी तक, यहाँ से पकड़ के इस बार इसे गुलाम लाना है सी तक, कहाँ तक लाना है बी से सी तक। तो हम लोग विभवांतर निकाल लेते हैं कहाँ से, ए बी सी के बीच में, कितना हो जाएगा बी से सी पर ले जा रहे हैं तो बी माइनस वी सी, मतलब बी पर कितना वोल्टेज है माइनस करना है सी पर, इस पे है माइनस में दो तो माइनस में दो, माइनस करना है सी वाले का, सी वाले पे है माइनस में तीन तो माइनस तीन, ये माइनस दो ये तीन, तो ये आ गया डेल्टा वी सी बराबर आ जाएगा एक वोल्ट, कितना आ जाएगा मेरे भाई एक वोल्ट। कहने का ये मतलब है बी और सी के बीच में कितना वोल्टेज काम कर रहा है एक वोल्ट। लगा देते हैं फॉर्मूला फिर से वही, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा वी इंटू में क्यू, डेल्टा वी का मान एक, क्यू का मान 1.2, यहां पर देखिए ना दो कूलाम दिया है तो दो कूलाम रखेंगे, तो यहां से आ जाएगा W बराबर 2 जूल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। बड़ा ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है और सस्ता भी है, यानी कि आसान है। फिर इस वाला क्वेश्चन देखा जाए उपरोक्त चित्र में, मतलब है ये चित्र और फिर से बात कर रहा है डेढ़ कूलाम के आवेश को ए से बी, ए से बी तक लाना है, एक कितने का है डेढ़ कूलाम का आवेश है, ए से बी, ए से बी लाना है, ऐसे चलना है, देखिए ऐसे चल रहा है ए से बी, फिर कह रहा है बी से सी, फिर बी से सी चलना है, फिर बी से सी तक लाने में बस यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य होगा, इसके बीच में हम लोग कार निकाल लेते हैं, इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक जब लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा ये प्लस में तीन और ये प्लस में दो हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, पाँच का गुणा डेढ़ से करेंगे 15 × 75, ये प्लस में कितना आ गया 7 × 5, इसके बीच में कार हम लोग निकाले हैं कितना आया है, इसके बीच का जो कार्य अभी आया है ये देखिए 2 आया है, इसके बीच का आया है ना कार्य अभी तो निकाले थे, इसके बीच का 2 जूल आया है, इतने का आया गया 7.5, दोनों को जोड़ देंगे आंसर आया कितना 9.5, तो दोनों को जोड़ देंगे 7.5 प्लस में 2 कितना आ जाएगा 9.5 जूल कार्य होगा, कहाँ से ए से बी और बी से सी तक लाने में, ए से बी, बी से सी तक लाने में, इसमें कोई आंसर नहीं है तो मठा आंसर बना लेते हैं खुद से। तो यहाँ पर W बराबर आ जाएगा 9.5 जूल। अगर इसी क्वेश्चन में इसमें कह देता A से B, A से B, B से C, C से A, तो कार्य जीरो हो जाता, आप लोग पढ़े ही होंगे कार्य कैसा होता है जीरो हो जाता, किस केस में, जब किसी आवेश को यहाँ से यहाँ तक घुमा के ले जाओ उसी बिंदु पर पहुँचा दे तो क्या हो जाएगा।